मैंने भी खुद इसको प्रैक्टिकल किया है। अब मुझे ज़्यादातर पुरानी बातें मुझे याद ही नहीं रहती हैं और मैं याद रखना भी नहीं चाहती हूँ। कॉन्शियस माइंड हमारे सबकॉन्शियस माइंड का पहरेदार होता है। सबकॉन्शियस माइंड में वही बातें जाती हैं जिनको कॉन्शियस माइंड बार बार रिपीट करता है। नमस्कार, योग आरोग्य चैनल में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। जैसे आपके गेट पर कोई आता है, आपकी डोरबेल बजाता है, आप उससे पूछते हैं कौन है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको गेट खोलना है नहीं खोलना है, उनको अंदर लेना है या नहीं लेना है। अगर मान लीजिए कोई अच्छा इंसान है और आपने उनको अंदर लिया, आप उनके अच्छे से उनका वेलकम करेंगे, उनकी अच्छे से आवभगत करेंगे, तो हो सकता है वह इंसान आपकी उनसे अच्छी दोस्ती हो जाए और बार बार में आपके घर पर आपका उनसे जल्दी जल्दी मिलना जुलना होता रहे और बार बार हो सकता है वो आपके घर पर भी आने लगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके गेट पर कोई आ रहा है, आप उसको अंदर लेना है या नहीं लेना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके विपरीत मान लीजिए कोई एक ऐसा इंसान आया है आपके गेट पर, उसने डोरबेल बजाई, आपको उसका आपने देखा कि ये बंदा आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपको उसके विचार अच्छे नहीं लगते हैं और आपको उसके साथ नेगेटिव वाइब्स आती हैं, कुछ भी रीज़न हो सकता है आपको उसका व्यवहार पसंद ना आने का, तो आप उससे बचना चाहेंगे। आप कोशिश करेंगे, हो सकता है आप गेट ही ना खोलें, हो सकता है कि आप उनको बाहर से बाहर ही वापस भेज दें। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस बंदे को, किस इंसान को अपने घर के अंदर लेना चाहेंगे और किसको बाहर से बाहर ही वापस भेज देंगे। हमारे माइंड में डेली 12,000 से लेकर 60,000 तक विचार आते हैं। इनमें से 90% विचार ऐसे होते हैं, 90% बातें ऐसी होती हैं जो पिछले दिन भी आई थी, हो सकता है उससे पिछले दिन भी हमारे दिमाग में ऐसी बातें आई हों, ऐसे विचार आए हों, और 80% थॉट्स उनमें से नेगेटिव होते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इन विचारों से कैसे बचें। ये विचार हमारे माइंड में ना आए, उन्हीं विचारों को अपने माइंड में आने दें जो हमारे लिए यूजफुल हैं, जो पॉजिटिव हैं, जिनका हमारी हेल्थ पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे आप एक इंसान को वैल्यू देते हैं, अच्छे इंसान को वैल्यू देते हैं, उसकी रेस्पेक्ट करते हैं, उसका वेलकम करते हैं, अच्छे से उसको खाना पिलाना करते हैं, वैसे ही जो आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, पॉजिटिव थॉट्स आ रहे हैं, उनके साथ भी आपको ऐसा ही करना चाहिए। आपको पता है कि आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स और पॉजिटिव थॉट्स आ रहे हैं, उनमें से नेगेटिव ज़्यादा हैं, तो आपको नेगेटिव थॉट्स को वैल्यू देनी ही नहीं है। वैल्यू कैसे, आपको उनसे बचना नहीं है। आगे हम इस वीडियो में जानेंगे कि हमें नेगेटिव थॉट्स से या जो गलत बातें हमें परेशान कर रही हैं, हमें उनसे कैसे बचना है। ये वीडियो इसी के ऊपर है। ये पावरफुल टेक्निक है जिसकी आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ अगर आप इस टेक्निक का प्रयोग करते हैं कि आप देखेंगे कि आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स, पहले धीरे धीरे आप उस सिचुएशन को हैंडल करना सीख जाएंगे, फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि नेगेटिव थॉट्स आना ही बंद हो जाएंगे, एक तरीके से पॉजिटिव हो चुके होंगे। आपको करना क्या है, जब भी आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आए या किसी से भी रिलेटेड कुछ बातें परेशान करें, आपको उन बातों को भुलाने की कोशिश नहीं करनी है। आपको क्या करना है, जो आज मैं टेक्निक आपको बताने जा रही हूँ, आपको ये टेक्निक फॉलो करनी है। आप देखेंगे कि आपको 10 मिनट के अंदर ही बहुत अच्छा फील होगा, आप रिलैक्स फील करेंगे, पहले से ज़्यादा अपने आप को हैप्पी फील करेंगे, आपको रिलैक्स मिलेगा, आपको लगेगा कि जो छोटी मोटी बातें हैं इनका मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि मैं इनको वैल्यू ही नहीं दे रहा हूँ। अगर आप इन बातों को बार 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 इनको वैल्यू देंगे तो ये बातें आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएंगी और फिर आगे की जो लाइफ है वो आपकी इन्हीं ऐसी ही विचारों से जुड़ी हुई हो जाएगी और आने वाली लाइफ ऐसी ही हो जाएगी, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम बोलते हैं, वैसी ही हमारी लाइफ होती है। ये वर्क कैसे करती है, कोई हमारे माइंड में मान लीजिए विचार आ रहे हैं जिनमें नेगेटिव विचार भी हैं और पॉजिटिव विचार भी हैं। आप सोसाइटी में रहते हैं, आपके मन में उनको लेकर अच्छी बातें भी आएंगी, गलत बातें भी आएंगी, बस आपको ध्यान ये देना है कि आपको कौन सी बातों को वैल्यू देनी है। माइंड के दो रूप होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड और एक सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड हमारे सबकॉन्शियस माइंड का पहरेदार होता है। सबकॉन्शियस माइंड में वही बातें जाती हैं जिनको कॉन्शियस माइंड बार बार रिपीट करता है। मान लीजिए कोई मंत्र है,
आप उसको बार बार रिपीट कर रहे हैं रिपीट कर रहे हैं, तो वह मंत्र आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाकर फीड हो जाएगा। और अगर आप कोई और काम कर रहे हैं तो एक दिन एक टाइम ऐसा आएगा कि आप अपना दूसरा काम भी कर रहे हैं और वह मंत्र आपका ऑटोमेटिकली चलने लगेगा। जिस पावरफुल टेक्निक की हम बात करने वाले हैं, इसके लिए आपको क्या करना है, मान लीजिए आप परेशान हो रहे हैं कि छोटी छोटी बातें आपको परेशान कर रही हैं, नेगेटिव थॉट्स आपको परेशान कर रहे हैं, आपको रिलैक्स होकर एक जगह पर बैठ जाना है, अपनी आंखें बंद कर लें। अगर आप ग्रीनरी के बीच में बैठे, अगर आपको लग रहा है कि आपके आसपास लोग हैं, तो आप अपने रूम में बैठ जाइए और अपनी आंखें कोमलता से आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए और 5 से 10 आप लंबी गहरी सांस भरेंगे। आपकी सांसें ऐसी होनी चाहिए, आप सांस भर रहे हैं तो आपकी पेट बाहर फूल रही है। आपको सांस लंबी गहरी भरनी है और सांस को फिर धीरे से बाहर निकाल देना है। 5 से 10 बार आप ये करेंगे। उसके बाद जैसे ही आप ये सांसें आपकी कंप्लीट होंगी, आप देखेंगे आप पहले से बेटर फील करेंगे। अब आपको थोड़ी देर के लिए अपनी ब्रेथ को होल्ड करना है, आपको फोर्सफुली अपनी ब्रेथ को होल्ड नहीं करना है। आप अपनी थोड़ी देर सांस को रोकेंगे और उसके बाद धीरे से सांस को छोड़ देंगे। अब आपको देखना है कि जो आपकी सांस आ रही है जा रही है, आपको उस पर ध्यान देना है। आपके घर के बाहर कोई इधर से इधर आ रहा है फिर इधर से इधर जा रहा है, ऐसे ही आपको अपनी सांसों पर ध्यान देना है। मैंने सांस भरी, अब सांस आपके नाक से होते हुए, गले से होते हुए, आपके लंग्स से होते हुए, आपके डायफ्राम से होते हुए आपकी नाभि तक सांस गई और फिर वापस नाभि से होते हुए, डायफ्राम से होते हुए, लंग्स से होते हुए, गले से होते हुए, नाक से होते हुए सांस बाहर आई है। 5 मिनट आप इसको कर लीजिए, स्टार्टिंग में 5 मिनट कीजिए, उसके बाद धीरे धीरे आप कब 30 मिनट पर पहुंच जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। मैंने भी खुद इसको प्रैक्टिकल किया है। पुरानी बातें मुझे याद ही नहीं रहती हैं और मैं याद रखना भी नहीं चाहती हूँ। अगर हम अपने पास्ट को याद रखेंगे तो हम हमेशा परेशान रहेंगे, क्योंकि पास्ट की बातें हमेशा माइंड में घूमती रहेंगी, फिर आप अपने प्रेजेंट में नहीं जी सकते हैं। आप अपने पास्ट की वजह से आप अपना प्रेजेंट खराब कर रहे हैं। इंसान को ये बातें समझ नहीं आती हैं। अगर आप ऐसे डेली प्रैक्टिस करोगे तो आपको कोई एफर्ट्स नहीं लगाना पड़ेगा, ये आपकी हैबिट में आ जाएगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि आप सुबह उठते ही यही अभ्यास करेंगे और आपका पूरा दिन इतना एनर्जेटिक और इतना अच्छा जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। आप खुद भी खुश रहेंगे और आप दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश करेंगे। ये मैंने खुद किया है और इसके मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं और इसीलिए मैंने सोचा मैं आप लोगों तक भी इसको शेयर करूं। उम्मीद करती हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको इस चैनल के माध्यम से ऐसे ही नॉलेजफुल कॉन्टेंट मिलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक नॉलेजफुल कॉन्टेंट के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू, नमस्कार।